लड़ाई की गुहार भी लगाई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सक्षण आप लोग के साथ एक नजर डालते हैं हाथरस कांड की ओर। आपको बता दूं, हाथरस बोलगंडी कांड को लेकर के आरोपियों की बातें अब सामने आने लगी हैं। आरोपी का कहना है कि उसने एक पत्र लिख करके कहा कि हमें बेगुनाह हैं और हम पर जबरदस्ती आरोप डाला गया है। हाथरस में बोलगंडी कांड को लेकर के छिड़ी बहस के बीच अब आरोपियों की बातें भी सामने आ रही हैं। मुख्य आरोपी संदीप ठाकुर ने पुलिस अधीक्षक हाथरस को पत्र लिखकर कहा कि उसे झूठे केस में मृतका के परिजनों ने ही फंसाया है। पत्र में उसने लिखा कि उसकी दोस्ती मृतका से थी और यह बात उसके परिवार को पसंद नहीं थी। इतना ही नहीं, 14 सितंबर के दिन वह मृतका से खेत पर भी मिला था और उस वक्त उसके भाई और माँ भी थी, लेकिन मृतका ने मुझे तुरंत वहाँ से भेज दिया। इसके बाद माँ और भाई ने उसकी पिटाई की। दोस्ती थी, वह मृतका से मुलाकात करता था और फ़ोन पर भी बात करता था, लेकिन यह बात उसके परिवार वालों को पसंद नहीं आई। घटना वाले दिन भी खेत में मुलाकात हुई और उसके बाद वहाँ से जाने को कह दिया और इसके बाद वह घर आ चलाया। अब बाद में उसे गांव वालों से पता चला कि मृतका की माँ और उसके भाई ने उसके साथ मारपीट की है। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। संदीप ने अपने पत्र में खुद को और 3 अन्य लोगों को निर्दोष बताते हुए मृतका की माँ और भाई पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया है, साथ ही साथ न्याय की गुहार भी लगाई। इस खबर पर 27 देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।